से पॉल्यूशन पे रोक लगेगी। देखिए लॉज तो बहुत बने हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है। आज अगर आप एक लेदर जैकेट ना यूज करें तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे उसका डिमांड कम हो जाता है उसके सप्लाई में एक चेन रिएक्शन होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट को बता तो जरूर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉज बना जरूर रही है, लेकिन आज हम पब्लिक में इसलिए आए हैं ताकि हम पब्लिक को बता सके कि अगर आप लेदर यूज करना बंद करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके फायदे क्या होंगे। आज गंगा दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो रिवर्स है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो नदियां हैं उनमें से एक मानी जाती है, जबकि ये सबसे इतनी बड़ी नदी है, सबसे मैसिव नदी है। और आज ये हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि गंगा दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदियों में एक काउंट की जा रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं, कानपुर में पोल्यूशन टैनरीज हो रही है, कानपुर में लेदर टैनरीज है जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। इतनी सारी टैनरीज हैं, अब उन टैनरीज पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जरूर गए हैं लेकिन क्या कम हो रहा है? अगर हम एज पब्लिक इस डिमांड को कम कर देंगे तो एक चेन रिएक्शन हो जाएगा कि सप्लाई भी कम होना पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है पॉल्यूशन को रोकने पे, मगर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं कहीं नजर नहीं आता है। तो पब्लिक का तो चलिए ठीक है, सहयोग नहीं है, मगर इतने बड़े मुल्क में आपको ऐसा लगता है कि इस पे रोक लग सकती है? बिल्कुल रोक लग सकती है, क्यों नहीं रोक सकती? अब जब लॉज बने हैं तो वो लॉज इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट लॉज इम्प्लीमेंट करेगी? अगर पब्लिक, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि एक चेन रिएक्शन होता है, अगर पब्लिक उसको इस्तेमाल करना बंद कर देगी तो सप्लायर क्यों सप्लाई करेगा, कहाँ से सप्लाई करेगा?